मैं हूं शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि बाबू की बिहार बोर्ड ने 12th क्लास का प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का, इंटर का प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट जारी कर दिया। आप लोग आराम से देखिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं अभी पहले ही बता दूं, उसके बाद मैं अच्छे से पेपर में पढ़ करके बताऊंगा। ओके, मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहा हूं बाबू। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। मैं हिंदी इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का सारा वीडियो, सारा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ फटाफट। आप लोग हिंदी में व्याकरण पढ़ा रहा हूँ अभी। आप आराम से जल्दी से चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा अगर पीडीएफ हिंदी इंग्लिश का चाहिए तब। ओके, और मैं बहुत सारे बच्चों को दे भी रहा हूँ पीडीएफ। इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी है। मैं इसमें आपको कुछ और बातें बता दूँ बाबू, जो एडमिट कार्ड आपका होगा वो आपको स्वयं डाउनलोड करना होगा, स्कूल में नहीं मिलेगा, आपको स्वयं डाउनलोड करना होगा वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा कुछ देर में, आप पहले लास्ट वीडियो अच्छे से देख लीजिए, मैं लास्ट में दूंगा इसका वेबसाइट, उससे आपको स्वयं डाउनलोड करना होगा। और दूसरा क्या काम करना होगा कि उसको जब डाउनलोड करके निकलवाएंगे आप, तो उसको अपने स्कूल में प्रिंसिपल से साइन और मोहर मरवा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसमें? जो आप एडमिट कार्ड निकालेंगे डाउनलोड करके, उसमें प्रिंसिपल का मोहर और साइन चाहिए, ठीक है। आप उसके बाद आपका काम हो जाएगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम का डेट तो आपको मालूम है, ये 9 से 18 जनवरी तक है। आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं और एक और दूसरा समाचार ये है बाबू, आप लोगों की खुशी की बात है कि जो दिव्यांग स्टूडेंट, जो डिसेबिलिटी वाले हैं दिव्यांग स्टूडेंट, उनके लिए राइटर का भी विकल्प होगा। राइटर मतलब जो लिखते हैं, जो अंधे लड़के हैं जिन्हें नज़र नहीं आती हैं चीज़ें, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए एक राइटर होंगे, ठीक है। मैं राइटर बना हूँ, हमारा एक मित्र पढ़ता था 12th क्लास में, मैं 10th में पढ़ता था, तो मैं उसका राइटर बना था। राइटर के लिए योग्यता क्या चाहिए, लड़का 10th पास होना चाहिए, ठीक है। जो भी राइटर होगा 10th पास होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको और आगे बात बताऊँगा। अब देखिए, मैं डिटेल से आपको पढ़कर समझा रहा हूँ। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट www.seniorsecondary.biharboard.com जारी कर दिया। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को भेज दिया गया है, समझ रहे हैं इस बात को। ये वेबसाइट है, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक लास्ट में दे दूंगा, और मैं अपना टेलीग्राम का लिंक, अपना व्हाट्सएप नंबर सब तो है ही है, आप मुझसे भी अच्छे से जुड़ जाएगा हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए। एकदम दृढ़ संकल्प मैं ले लिया हूँ बाबू कि आप लोगों को एकदम अच्छे से ऐसा तैयारी करा दूंगा कि 150 में 90 प्लस हिंदी में होगा और 80 प्लस इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा आप लोग का वीक है, तो 80 प्लस की गारंटी मैं इंग्लिश में दे सकता हूँ और हिंदी में 90 प्लस की गारंटी। ओके, सभी स्कूल प्रशासन प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र समिति द्वारा उपलब्ध यूजर आईडी और पासवर्ड से डाउनलोड करेंगे। आप लोगों की यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, आपको मालूम होगा, उसी से आपको डाउनलोड करना होगा अपना एडमिट कार्ड। ओके, डाउनलोड करने के बाद स्कूल प्राचार्य का हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर छात्रों को उपलब्ध करवाया जाएगा, समझ रहे हैं इस बात को, क्यों जब आप डाउनलोड करके निकलवाएंगे तो उसके बाद उसको कहाँ ले जाना है, अपने स्कूल में ही ले जाना है जहाँ आपका नाम लिखाया हुआ है, ठीक है। कोचिंग में मत ले जाइएगा, स्कूल में ले जाना है, और आप प्रिंसिपल का साइन और मोहर मरवा लीजिएगा। छात्रों को उपलब्ध कराया जाए, ज्ञात हो गया, इंटर प्रायोगिक परीक्षा 9 से 18 जनवरी 2021 तक चलेगा, समझ रहे हैं, 9 जनवरी से 18 जनवरी तक। इंटर परीक्षा में सेंटअप जांच में उत्तीर्ण छात्रों के लिए ही बोर्ड एडमिट कार्ड जारी करेगा, और जो लड़के सेंटअप एग्जाम में पास हुए हैं उन्हीं के लिए ये होगा, जो लड़के फेल हो गए उनके लिए जारी नहीं होगा, एकदम स्पष्ट लिखा है। नॉन सेंटअप वाले परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। बोर्ड की माने तो दिव्यांग छात्रों के लिए राइटर का विकल्प रहेगा, जो दिव्यांग स्टूडेंट के लिए एक राइटर का विकल्प रहेगा। इसके लिए दिव्यांग छात्रों को प्रमाण पत्र देना होगा कि हाँ वो लड़का सही में दिव्यांग है, तभी ना उसको एक प्रूफ देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा, तभी उसके लिए एक राइटर का विकल्प होगा। राइटर के लिए मैट्रिक योग्यता होना चाहिए, अगर छात्र खुद राइटर लाते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। बोर्ड की माने तो प्रायोगिक परीक्षा संबंधित मटेरियल सभी जिला शिक्षा कार्यालय में 24 दिसंबर को भेजा जाएगा, इससे संबंधित जानकारी 24 दिसंबर को भेजा जाएगा। DEO कार्यालय से 25 दिसंबर को सभी केंद्रों पर भेजा जाएगा। ये सारी चीज़ें डिटेल आपको मैं अच्छे से बता दिया हूँ। 9 जनवरी से 18 जनवरी तक प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, और आप लोग आराम से अपना वेबसाइट का लिंक मैं अब नीचे दे दे रहा हूँ, आराम से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का भी लिंक है, आप उससे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ PDF सारा सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वहाँ पर मैं PDF डाल दिया, और इसका भी है, हिंदी इंग्लिश का भी है। हिंदी इंग्लिश का PDF अगर चाहिए तो मुझे पर्सनली आपको मैसेज करना पड़ेगा। ओके, मैं अब बाबू आप, मैं अभी लिंक पढ़ा रहा हूँ, लिंक का भी तुरंत दे रहा हूँ, लिंक मैं पढ़ा रहा हूँ, लिंक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 3 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। ओके, और मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।